9 बजे के बुला कर ले जाकर लड़की जान से मरवा दी। अच्छा, यानी कि दशहरा मेला घूमने के लिए लड़की जो है बुलाई और अपने साथी के साथ मिलकर इनकी जान ले ली। हाँ, जान ले ली। लड़की मरवाई है। लड़की मरवाई है। लड़की मरवाई नहीं तो मोबाइल लेके भाग कैसे रही थी। अच्छा, मोबाइल भी लेकर भाग गई है। हाँ, मोबाइल लेके भाग। क्लियर, लोग तो सारे आदमी करते हैं आजकल, कौन लड़का लड़की नहीं करता, सारे सब करते हैं। हाँ, सब करते हैं, लेकिन इस तरफ किसी को भी जान नहीं जाता। इतना घटिया बुरी तरह से मारा है। हमको जल्दी पकड़वाइए कि हमारा दिल, हमारा भाई को, आत्मा को शांति मिले और उसको ऐसा सजा मिले कि ताकि वो देख कर कोई इंसान बहके ना। लड़की मर्डर करके भाग रही थी। हाँ, भाग रही थी। हाँ, नेपाल के लिए भाग। अच्छा, रही थी। यानी कि लड़की जो है जान ले ली और उसके बाद में नेपाल भाग रही। नेपाल भाग रही थी। क्यों हो रहा है लड़की का, क्यों नहीं हो रहा है? कोई नेता मंत्री लोग पहुंचे आपके घर पे? नहीं, कोई नहीं पहुंचे। कोई नहीं। पहले से भी शादी शुदा थी, पहले से भी एक बॉयफ्रेंड के मुंगा दी, पहले से भी। अच्छा, और भी चक्कर है लड़की। हाँ, और भी बहुत सारा चक्कर, 500 चक्कर है लड़की। बिहार में आए दिन लगातार प्रेमियों की हत्या हो रही है। अभी हम मोतिहारी के बरियारपुर में है, जहाँ पर दशहरा मेले में प्रेमिका के द्वारा प्रेमी को दशहरा मेला घूमने के लिए बुलाया जाता है और वहाँ पर प्रेमिका जो है अपने साथ कुछ लोगों से मिलकर अपने ही प्रेमी की जान ले लेती है, चाकू से गोद गोद कर हत्या कर देती है। अभी हमारे साथ ये जो है प्रेमी के भाई हैं, जिनके छोटे भाई की जो है हत्या की गई है, और भी परिजन के लोग हैं, यानी कि हम अभी प्रेमी के घर पे पहुंचे हैं। जरा सोचिए कि बिहार में इस प्रकार से जो मामले हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार सामने आ रही है, लेकिन इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि ये जो मामला है गरीब के साथ हुआ है। अगर किसी नेता मंत्री विधायक की बेटी के साथ ऐसा होता तो अभी तक शायद उस परिवार को इंसाफ मिल गया होता, लेकिन भाग्य कि ये लोग गरीब हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपका भाई का नाम क्या था? चमन पटेल। और वो लड़की का नाम क्या था जो जिसने आपके भाई के साथ ऐसा किया? शिल्पी कुमारी। अच्छा, पूरा घटना कैसे घटित हुआ इसके बारे में आप बताइए, जरा जोर से बोलिएगा। देखिए, पूरा घटना ऐसे हुआ कि जब मेला देखने के लिए हमारा पूरा फैमिली चले गए, लोग भैया भी 7 बजे खा के निकल गए, तो 9 बजे ठाईले दुर्गा चौक पे ही थे, मेले में थे, और उसके बाद 9 बजे के बुला कर ले जाकर लड़की जान से मरवा दी। अच्छा, यानी कि दशहरा मेला घूमने के लिए लड़की जो है आपके भाई को बुलाई और अपने साथी के साथ मिलकर इनकी जान ले ली। हाँ, जान ले ली। अच्छा, तो पहले कभी आपके भाई से उससे बात हो रहा था का? ना, पहले से तो बात होता था लेकिन हम लोग को पता नहीं था, ना भैया बताए थे ना उस लड़की के, थोड़े से कुछ हम लोगों को पता था कि हाँ यही लड़की है। बाद में जब थाने वाले इथी में लिए गिरफ्तारी में, तब हम लोग जाने देख कर कि हाँ यही लड़की है, तो ये गाँवे की। अच्छा, है पहले से आप लोग लड़की को देखती थी लेकिन पता नहीं था कि यही लड़की है? हाँ, ना पता। आपके घर से लड़की का घर कितना दूर है? बस ये 25 डेंग चलिएगा तो उसका घर मिल। 25 डेंग बाद उसका घर है। अब जरा सोचिए कि ये जो है प्रेमी का घर है और यहाँ से 25 कदम आगे आप जाएंगे तो वहाँ पर प्रेमिका के घर है। अब जरा सोचिए कि इतनी दूर का ये मामला है, घटना घटित हो जाता है, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा लड़की को गिरफ्तारी वगैरह किया गया है? हाँ, लड़की की तो उसी रात गिरफ्तारी हो गया जब लड़की मर्डर करके भाग रही थी। हाँ, भाग रही थी। हाँ, नेपाल के लिए भाग रही थी। यानी कि लड़की जो है जान ले ली और उसके बाद में नेपाल भाग रही थी। नेपाल भाग रही थी। दुगो और लड़का था जो एगो अनिल शाह था, इती सोनार है, इती रघुनाथपुर में डेरा लेकर रहता है, अब बिजुलपुर के पहले के रहने वाला है, उसका घर वहीं पे था। आ एगो इती है बड़ा टोला के बतसपुर का है, विवेक कुमार सिंह, वही है, वो दोनों भाग रहा था सब। इसको लड़की के लिए घटना जब हो गया सप्तमी के दिन जो है वो लड़की बुलाई हुई थी, उससे पहले आप लोग कभी अपने भाई को बात करते हुए देख रहे थे? ना, नहीं देखे थे। अच्छा, तो प्रशासन आप लोगों को क्या बताई रात में जब आपके पास यहाँ प्रशासन? तो प्रशासन कल होके हम लोगों को बताई कि एक लड़की पकड़ाई हुई है। हम लोग जब पूछने गए कोई कि हाँ कोई इसका पता चला है कोई सबूत के बारे में, चाहे कुछ के बारे में, दोबारा गया लोग तो बोल रहे थे प्रशासन की, बोलो एक लड़की पकड़ाई हुई है। तो लड़की से पूछा गया तो लड़की बताई, तो पहले नकार रही है सही तरह से, अभी एड्रेस किसी को भी नहीं दे रही है। अच्छा, बहुत जगह घुमा फिरा दी, ये गाँव का है, वो गाँव का, जब इथी पे आया मुर्दे पर बात तो 2 आदमी। अच्छा, कहीं ये प्रेम प्रसंग के कारण ही जान गया है या फिर किसी और भी कारण हो सकता है? देखिए, ये हादसा है, हम प्रेम को नहीं कहेंगे क्योंकि ये लोग तो सारे आदमी करते हैं आजकल, कौन लड़का लड़की नहीं करता, सारे सब करते हैं। हाँ, सब करते हैं। अच्छा, लेकिन इस तरफ किसी को भी जान नहीं जाता। इतना घटिया बुरी तरह से मारा है ना कि ऐसे नहीं लगता है कि प्रेम प्रसन्न करती होगी मेरे भाई से। अच्छा, अगर प्रेम प्रसन्न करती तो उसको माया रहता। अच्छा, यानी कि प्रेम नहीं बल्कि उनको जो है पैसा वैसा का लालच? पैसा का लालच था, पैसा से प्यार था। पैसा से प्यार था तबे ना हर जगह जाती थी, हर इति करती थी। यहाँ तक पता चला है कि विवेक सिंह है जो, वो पहले से शादीशुदा था, फिर उसके साथ संबंधी की बनाई? अच्छा, लड़की शादी
शादीशुदा थी क्या? लड़की पहले से भी शादीशुदा थी, पहले से भी एगो बॉयफ्रेंड के मुंगा दी, पहले से भी और भी चक्कर है लड़की का? और भी बहुत सारा चक्कर, 50 चक्कर है लड़की का। अब जरा सोचिए कि लड़की जो है कहीं ना कहीं इनके भाई से नहीं बल्कि पैसा से प्रेम कर रही थी, और ऐसे में दशहरा मेला घूमने के लिए इनके भाई को बुलाती है और वो जो है जान लेती है। लड़की का नाम क्या है? शिल्पी कुमारी। शिल्पी, और आपके भाई का? चमन पटेल। चमन पटेल। अच्छा ये बताइए कि कभी आपने सोचा था कि बड़े भाई होते के नाते अपने छोटे भाई का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा? वही तो कह रहे हैं सर, हमारा उसका हक था हमारा अंतिम संस्कार करने का, हमारा माँ के करने का, लेकिन ये नहीं सोचा था कि उल्टे में ये भाई हैं। देखिए इनके आंखों में आंसू हैं और इन्होंने अपने छोटे भाई को खोया है। आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा और आपको कारण क्या लगता है? हमको तो अभी नहीं कुछ बताया, लेकिन मालूम कर रहे हैं हम सचार है थाना प्रभारी से लेके यहाँ तक DSP साहब चाहे मुख्यमंत्री, उन लोगों के घर में अगर ये गुजरा होता ना तब अभी तक न्याय मिल गया रहता। अभी मिल गया रहता। आप गरीब हैं इसलिए आपको न्याय नहीं मिला जी, हम तो अनजान ना है, थोड़ा देर के लिए लोग का अफसोस होता होगा, ये ना समझ रहे हैं ना, तो अभी तक क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ होता तो थाना प्रभारी तो बोल रहे हैं, जिस तरह हम कह रहे हैं कि उनको रिक्वेस्ट। कितने दिन घटना हो गया हुए? 2 को हुआ है। 2 हुआ है, यानी कि आज कितना तारीख है? 7 है। अब जरा सोचिए कि घटना को हुए 4-5 हो गया है, लेकिन अभी तक जितने लोग इसमें शामिल है उन सभी लोगों का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। लगभग कितने लोग शामिल है? थाना प्रभारी साहब बता रहे थे कि 3 आदमी इधर से भाग अच्छा, रहा था। आप लोगों को पता कैसे नहीं चल पाया? क्योंकि 10-12 बाद जब लड़की का घर है तो आप लोग कभी बात करते हुए या फिर मिलते हुए नहीं देखे थे? जी देखते तो कोनो बातें नहीं था, तो हम खुद पहचान जाते थे कि तो इसका काम ही पैसा है फंसने का और रास्ते से हटाने का, जब उतना होता तो आज ये दिन देखना पड़ता। अच्छा, अभी प्रशासन के द्वारा क्या कुछ बोला गया थाना अध्यक्ष के द्वारा? थाना अध्यक्ष हम मोसपी थाना के पास उसी दिन 3 को गए हैं, उसके बाद उनके पास नहीं गए हैं, तो गए थे तो बोला गया है, उनको कहा गया कि जिस तरह बोल रही है लड़की ना, प्रभारी ने कहा खुद कि ये सरासर गलत बोल रही है। फिर मालूम इसलिए उधर। अच्छा, क्या आप लोग को भी लगता है कि लड़की का कोई पहले से भी चक्कर होकर है क्या? बहुत चक्कर था, उस थाने प्रभारी के सामने खोली है कि मेरा विवेक सिंह ने दोस्त था जो अपाची गाड़ी पकड़ाया है रामगढ़वा थाना में, उसके साथ भाग रही थी, तो जो बसतपुर बड़ा टोला का है इससे उसका क्या संबंध है, समझ नहीं आ रहा है। सोचिए कि इस प्रकार से एक लड़के की जान चली जाती है और अभी तक परिवार को इंसाफ नहीं मिला। आप आसपास कहीं रहने हो, आपको कारण क्या लगता है? जी उसको ऐसा ही था से उसको पैसा का भूखिया था वो। अच्छा, पैसा का भूखी थी? जी हाँ जी, पैसा का भूखिया था। पैसा जब वो पैसा का भूखिया नहीं रहती, प्रेम का जो अति होता है वो समझती तो आज ये नहीं ना करती वो। पैसा का भूखिया थी तब ना आज वो कर दी। आज मान के चलिए आज हमारे पास पैसा था, आज हमारे पास ही थी। ये बिहार में पहली बार घटना नहीं हुआ है। जो लड़की को पैसा से प्यार है उस लड़की पर कोई लड़का कैसे यकीन कर लिया? जी देखिए एक बात होता है ना, जो एक दूसरे के जब हम जान गए तो आप हमारे दिल में घुस गए, हम आपके दिल में घुस गए, अब ये नहीं ना घुस गए साथ, आपका मन में क्या चल रहा है हमारे मन में क्या चल रहा है। लेकिन सवाल तो कहीं ना कहीं खड़ा होता है कि बिहार में हर बार जो है प्रेमियों का ही हत्या क्यों हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपकी माँ कहाँ है? ये देखिए इनकी माँ है। अच्छा, आपके बेटे के साथ क्या हुआ था? हमारा बेटा का साथ अन्याय हुआ है। हाँ, बेटा क्या कह घर से निकला हुआ था? कुछ भी नहीं कहा था। अच्छा, बेटे को पहले कभी किसी लड़की से बात वगैरह करते हुए आप देखे थे? नहीं नहीं। अच्छा, तो क्या कारण है, किन लोगों ने आपके बेटे को मारा है? कारण ही कथी है, मेला घूम के गया तो वो फोन किया बाजार, हमारा घर के सारा लोग मेला में चला गया था। अच्छा, सारा लोग मेला में चला गया था, सारा लोग चला। तो आप लोगों को कब पता चला था ये कि इनका मौत हो गया है? फोन किया जे भाभी कहाँ है, से चाभी कहाँ है, सोने के लिए फोन किया। हाँ, जे भाभी कहाँ है, तो कह ये मेला में है, अतः चाभी कहाँ है, वो कहलक जे दादी के पास है। अच्छा, कहल ठीक है चाभी हम ले लेंगे सुबह चल जाएंगे, नहीं आया वो, नहीं रह गया, हम लोग जाने जे घर चले आया सो गए। अच्छा, हम लोग आए तो चल गए सूत रहे, ओकरा बाद 1 प्रशासन आया, 11 बजे से खोजते खोजते माने 1 प्रशासन आया,
11 बजे से खोजते खोजते प्रशासन एक बज गए। अच्छा, 2 घंटा से बोल जी रहे हैं। कि दो कोई नहीं बता रहा है, प्रशासन का कहा नाम था इसी जगह है। अच्छा, आपको लगता है कि आपके बेटे को जो है वो लड़की नहीं मरवाया है? लड़की मरवाई नहीं तो मोबाइल लेके भाग कैसे रही थी? अच्छा, मोबाइल भी लेकर भाग गई है। मोबाइल लेके भागी है। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं? अभी 4-5 दिन हो गया है, लड़की का गिरफ्तारी हो गया है, लेकिन लड़की के साथ और लोग जो इस घटना में शामिल थे उनका गिरफ्तारी नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। आपको लगता है कि चाची इंसाफ मिलेगा? हाँ, इंसाफ मिलेगा तो हमको इंसाफ चाहिए। जरा सोचिए कि ये लोग गरीब हैं और कहीं ना कहीं गरीब जानकर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, आपको लगता है? अभी तो हमको पूरा डिटो नहीं है। अभी प्रशासन से आपको उम्मीद है? जी, उम्मीद पूरा है। हाँ। अगर वो चाह रही कह रही थी कि ठीक उस समय में उनका पूरा पुलिस बोलते है कि हमारा एटोबेट है दशा रहे, लेकिन तो हम भी मान सकते हैं। कैसे इस जगह पर हर जगह पर अगर छेछड़ा पानी चल रहा है तो हम मान सकते थे कि पुलिस उतना नहीं है कि सब खोजे लागे, लेकिन अब तो फ्री हो गई। अब पुलिस खोजे 2 से लेकर 4 दिन तक के में पकड़वाएं, का पाताल में थोड़े चल गई होगी? होगी तो इंडिया में ना होगी वो आदमी सब, तो उससे भी पता चलेगा कि ताकि वो पकड़ाएगा ताकि और चौथा पांचवा कौन है। अच्छा, अभी अब क्या चाहते हैं? अभी 4-5 दिन हो गए, प्रशासन से क्या अपील करेंगे और यहाँ के नेता मंत्री जी? यहाँ से उन लोग से यही अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप खुजवाई करने जहाँ छापामारी करना है करिए, या लड़की को मारपीट कर उगलवाइए, लेकिन हमको जल्दी पकड़वाइए कि हमारा दिल हमारा भाई को आत्मा को शांति मिले और उसको ऐसा सजा मिले कि ताकि वो देख कर कोई इंसान बहके ना कि वो ऐसा सजा पाने के लिए फिर कदम गलत उठाए। फिलहाल यहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं मोतिहारी के, क्या बोले चाची? उसको फांसी की सजा, फांसी की सजा मिलना चाहिए। जितना लोगों को मिलना चाहिए फांसी का सजा है, ऐसा सजा मिलना चाहिए जो कल होकर किसी की और बार बार बिहार में प्रेमियों का ही हत्या की जी आए, वही ना हम भी बता रहे हैं क्यों हो रहा है, लड़की का क्यों नहीं हो रहा है? कोई नेता मंत्री लोग पहुंचे आपके घर पे? नहीं, कोई नहीं पहुंचे। कोई नहीं, सब लोग मतलब सोचिए कि बिहार में लगातार इस प्रकार के मामले आ रहे हैं, लेकिन इन पर ना कोई नेता मंत्री ना ही सरकार का ध्यान है, क्योंकि देखा जाए तो आए दिन बिहार में लगातार प्रेमियों की हत्या हो रही है। फिलहाल मोतिहारी के जो थाना अध्यक्ष साहब हैं उनसे हम अपील करेंगे कि इस मामले को गंभीरता से जांच करें और जो भी आरोपी है उस पर कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाए, ताकि आगे से इस प्रकार से घटना करने से पहले 10 बार सोचे, और इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए जिन्होंने अपने बेटा को खोया है, भाई को खोया है। इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।